जय हिंद। बुंदेलखंड न्यूज 24 में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं झांसी से कुछ मुख्य खबरों की ओर। बालू के ढेर में मिली एक युवती की लाश से पुलिस ने पर्दा उठाने का दावा किया है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से मृतका का हैंड पर्स, मोबाइल तथा अन्य सामान भी बरामद किया गया। युवती की हत्या उसके द्वारा आए दिन हत्यारोपी से की जा रही रुपयों की मांग को लेकर की गई थी। घटना का पर्दाफाश करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक नगर विवेक त्रिपाठी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि प्रेमनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत गोकुलपुरी के निकट निर्माणाधीन भवन के बाहर बालू के ढेर में एक युवती का शव दबा मिला। इसकी सूचना क्षेत्र के मूरत सिंह ने पुलिस को दी थी, जिस पर पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया था। पुलिस तभी से आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी। जांच के दौरान पुलिस ने जब मोबाइल की कॉल डिटेल खंगाली तो हत्या की वारदात के तार से तार जुड़ते चले गए। मृतका की पहचान आरती पत्नी अनुज निवासी इकदिल इटावा के रूप में की गई थी। आरती का अपने पति से 3 साल से तलाक का मुकदमा चल रहा था। अपर पुलिस अधीक्षक के अनुसार इस घटना के सिलसिले में रेलवे क्रॉसिंग के पास से हिरासत में लिए गए प्रभात से जब पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वह इटावा में ही एक होटल में काम करता था। वहीं उसकी मुलाकात आरती से हुई, जो धीरे धीरे दोस्ती में बदल गई। इसके बाद आरती तलाक के मुकदमे को लेकर उससे रुपयों की मांग करने लगी, जिससे तंग आकर वह इटावा छोड़कर झांसी आकर प्रेमनगर क्षेत्र के कलारी के पास रहने लगा। घटना वाले दिन आरती झांसी आई और उससे फिर रुपयों की मांग की। इस पर उसने आरती का गला दबा दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना को अंजाम देने के बाद उसने आरती की लाश को बालू के ढेर में दबा दिया तथा उसका हैंड पर्स तथा मोबाइल फोन आदि लेकर भाग गया। पुलिस ने प्रभात के पास से आरती का सामान भी बरामद किया है। झांसी से दीपक चंदेल की रिपोर्ट। दिनांक 18 जुलाई को सूचना प्राप्त हुई कि एक अज्ञात महिला का शव बालू में दबा हुआ है, जो गोकुलपुरी कॉलोनी थाना क्षेत्र प्रेमनगर में पाया गया था। थाना प्रेमनगर पुलिस और स्वाट टीम को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झांसी महोदय द्वारा विवेचना कार्य में लगाया गया था, जिसमें क्षेत्राधिकारी सदर भी शामिल थे। टीम द्वारा प्रयास करके ज्ञात किया गया कि इस महिला का नाम आरती, पुत्री ज्ञान सिंह, नगलाहार, इटावा की रहने वाली थी। ये पहचान होने के बाद फिर विवेचना कार्य किया गया और मुखबिरों के माध्यम से पता किया गया तो ज्ञात हुआ कि प्रभात कुमार नाम का एक आदमी, जो पुलिया नंबर 9 पर रहता था, उसके द्वारा इस महिला से प्रेम संबंध थे और उसके द्वारा आपस में लड़ाई झगड़ा होने पर पैसे की मांग को लेकर के इस महिला का गला दबा करके हत्या कर दी गई और उसे बालू में उसके शव को दबा दिया गया, जिससे उसकी पहचान ना हो सके और घटना को छुपाया जा सके। इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है, प्रभात कुमार को, और थाना प्रेमनगर पुलिस द्वारा इसके अनावरण में उनके कार्य की प्रशंसा की गई है। इस घटना का अनावरण अत्यंत शीघ्रता से किया गया है, जिससे जनमानस में पुलिस की प्रति विश्वसनीयता बढ़ी है। इस प्रकरण में अभी विवेचनात्मक कार्रवाई चल रही है, फिर भी ये ज्ञात हुआ है कि इनके विवाहेतर संबंध थे। महिला पहले से शादीशुदा थी और इस व्यक्ति से उसके संबंध थे। पैसे की मांग करती थी महिला, ये बात अभियुक्त ने बताया है। इस बात को लेकर ही झगड़ा हुआ था, जिसके कारण उसने आवेश में उस महिला की गला दबा के हत्या कर दी। संबंध कैसे बने थे? ऐसा जानकारी में आया है कि ये व्यक्ति पहले इटावा में काम करता था, वहीं पे इनकी जान पहचान हुई थी। उस जान पहचान के बाद इनके आपस में संबंध हुए। पुलिस के कार्य की प्रशंसा की गई है और इनाम की प्रक्रिया अभी प्रचलित है, इसके संबंध में आपको अवगत कराया। थैंक यू सर।